दोस्तों, अगर आपको किसी भी पेशेंट को लखनऊ PGI में आपको दिखाना हो तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ही वहाँ पे आपको एडमिट लिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके एक अपॉइंटमेंट डेट लेना पड़ता है, उस डेट को आपको वहाँ पे जाके दिखवाना पड़ता है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल से रेफर किए गए हैं, आपको वहाँ पे PGI रेफर किया गया है, तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। उसके बाद ही वहाँ पे जाके आपका नंबर लगती है, उसके बाद ही आपको दिखाने का पेशेंट को मौका मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है इस वीडियो में सारी प्रक्रिया बताने वाला हूँ, आपको पेंट तक बताऊंगा, सारे चीज बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे नए वीडियो पर सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम पे आना है और आपको सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है SPGI लखनऊ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है लखनऊ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेम इसी तरीके से आपको लिखना है और आपको सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एक पेशेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा, जहाँ पे ढेरों सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है। यहाँ पे सारी चीज आपको बारीकी से फिल करना होता है, बढ़िया तरीके से फिल करना होता है। और कुछ का अभी यहाँ पे होम पेज खुल के आ जाएगा, कुछ किसी का यहाँ पे इस तरीके से खुल के आता है, तब भी आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरीके से भी आता है। तो आपको कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी जाके आप उसी फॉर्म यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसको इंट्रेक्शन इसको ध्यान से पढ़ लेना है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि आप यहाँ पे एक महीने तक का जो है नेक्स्ट एक महीने तक का कि आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं कर सकते हैं। और यहाँ उसी डेट को आपको सबमिट करना होगा, इसको ध्यान में रखना होगा। और दूसरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा, जिसको आपको प्रिंट आउट ले लेनी है। और यहाँ पे लास्टली यहाँ पे जो है आपको जो भी प्रिंट आउट मिलेगा, जो भी डेट को आपने तय किया हुआ है, अपॉइंटमेंट लिया है, उसी डेट को आपको जाना है और 10 बजे से पहले वहाँ पे काउंटर पे पहुंच जाना है। यानी 10 बजे के बाद जाएंगे, हो सकता है आपको काम ना हो, लेकिन आपका जो भी डेट का प्रिंट आउट मिला उसी डेट को आपको उससे पहले 1 से 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुंच जाना होता है। ये सारी चीजें इंट्रैक्शन इसको ध्यान से आपको समझ जाना है, पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना होता है। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे आपने पहले फॉर्म ओपन हुआ तो वही फॉर्म यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सिंपली आपको डेट चूज करना है, डेट चूज करने से पहले आपको डिपार्टमेंट चूज करना है कि आपको पेशेंट को किस विभाग में दिखाना है, क्या दिक्कत है, किस विभाग में दिखाना है। तो मान के चलिए यहाँ पे न्यूरोलॉजी हम करते हैं, आगे न्यूरोलॉजी अगर दिखाना चाहते हैं तो न्यूरोलॉजी के कौन कौन से डॉक्टर हैं यहाँ पे दिखाई दे देगा और कौन कौन से डे को वो बैठते हैं, इसमें से कौन से डॉक्टर को आप दिखाना चाहेंगे, उस हिसाब से आपको डेट यहाँ पे डे के हिसाब से डेट चूज कर लेना है। यहाँ पे जैसे फ्राइडे को जो भी डॉक्टर यहाँ पे बैठ रहे हैं, हमको इस डॉक्टर को दिखाना है, तो फ्राइडे को कौन सा डेट पड़ रहा है आज के डेट से, तो यहाँ पे हमको जाना है। फ्राइडे को यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो डेट है यहाँ पे 19 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है, या फिर अगले यहाँ पे 26 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है। फ्राइडे को एक डॉक्टर बैठते हैं जिनको हमको दिखवाना है, तो यहाँ पे अपनी चूज करना कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस डेट को जिस डॉक्टर को दिखाना है वो डेट वहाँ पे डे मेंशन होती है, डे के हिसाब से आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है। आपने क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आती है नेम। तो नेम में आपको पेशेंट का नेम भरना है, पेशेंट क्या है, डॉक्टर अनुवाद, नॉर्मली आप मिस्टर मिसेज जो भी हैं, तो यहाँ पे मिसेज, यहाँ पे कोई महिला है तो मिसेज कर सकते हैं, जेंट्स है तो मिस्टर कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल उनका नाम भर देना है, उनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे सारी चीज फिल करना है। यहाँ पे जो भी नेम है, राम कुमार सिंह नाम है तो राम, फर्स्ट नेम में मिडिल में कुमार, लास्ट में सिंह भर सकते, फर्स्ट या लास्ट है तो आप यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में कुमार भर सकते हैं, इस तरीके से आपको भर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फादर हस्बैंड, उनके गार्जियन पे कौन जा रहे हैं, यहाँ पे उनके मदर हैं या फादर है, हस्बैंड जो भी, मान लीजिए हस्बैंड है तो हस्बैंड कर देंगे एज ए गार्जियन, उनकी जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ लगा रहे हैं उसमें जो भी है उसमें देखना चाहिए। यहाँ पे हस्बैंड क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे हस्बैंड का नेम यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद उनका नेम डाल देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है परफेक्ट रूप से डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे जो उनकी जेंडर होती है मेल फीमेल उसको क्लिक कर देना है, पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेशेंट का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। करके दोस्तों यहाँ पे जैसे कि सन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सन की लिस्ट खुल जाएगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उनके हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे फिल कर देनी है, डेट महीना कितने एज की हो गई। और चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली कितनी एज की है, 26 साल 25 साल 30 साल जो भी है, यहाँ पे ईयर्स मंथ में आप डाल सकते हो, 26 ईयर्स की हमने यहाँ पे डाल दिया टाइपिंग से। और यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस डाल देना है, जो कि मैरिड होगा, अगर शादीशुदा है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, सिंगल है तो सिंगल, जो भी चीजें यहाँ पे इस तरीके से आपने डालना है। उसके बाद दोस्तों रिलीजियस में आपको कौन से धर्म से आते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको भर देना है। ऑक्यूपेशन में आपको सिंपली यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो डाल देना है, सिंपली हम यहाँ पे अदर कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल देना है कोई एक पेशेंट का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस में हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में, जहाँ पे यहाँ पे आपको एड्रेस डालने की जरूरत होती है, जो कि आपकी परमानेंट एड्रेस और एक क्रोस्पेंडेंस एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक को एक्टिव रखना है दोस्तों, सिंपली आपको अर्बन या रूरल में जो भी हो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल डालना है, अगर आप
शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन डालना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे आपको सिंपली अगर आप अर्बन से हैं तो मकान संख्या, स्ट्रीट, लोकलिटी अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्री चूज कर लेना, इंडिया, स्टेट अपना जो भी स्टेट से बिलोंग कर दो, सिटी चूज करना, अपनी पिन कोड डालना है, एक मोबाइल नंबर डालना है, डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ये लिखा हुआ दोस्तों, ये चीज काफी लोग कंफ्यूज है क्योंकि आप किस स्टेशन से यहाँ पे जर्नी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर रेलवे स्टेशन से करने वाले, रेलवे स्टेशन आप जो नजदीकी हो डाल सकते हैं, अपने नजदीकी अगर रेलवे स्टेशन कोई भी डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। सिंपली आपका अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी करते ही ऑटोमेटिक इस बगल भी ये एड्रेस फिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों कई बार होता है रूलर पे आप क्लिक करते हो और यहाँ पे फॉर्म भरते हो तो कई बार आपका यहाँ पे जो पेज है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, सर्वर इशू कुछ ना कुछ यहाँ पे आ जाती है, बताती है। तो आपको क्या करना है, अधिकतम देखा गया है कि रूलर क्षेत्र के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है एड्रेस फिल करने में और ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है, रूलर यहाँ पे अर्बन पे ही क्लिक करके आपका अपनी एड्रेस फिल कर देना है, कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है। तो अर्बन पे क्लिक करिए, अगर आपका रूलर पे हो गया तो ठीक है, तो कॉपी करिएगा तो ए वाला एड्रेस इस बगल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल की बात आती है, तो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिए किसी घर का एक बंदा जो साथ में हो चाहे कोई हो, उनका यहाँ पे नाम डाल देना है, उस पेशेंट के उनसे क्या संबंध है वो संबंध यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। उनका एक मोबाइल नंबर डाल लेना है जो भी आपके साथ में हो, ठीक है, यहाँ पे डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम आते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रेफर आएगा, जहाँ पे यहाँ पे डॉक्टर ने आपको रेफर किया हुआ है, ठीक, उसी डॉक्टर का यहाँ पे नेम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेफर हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल से आपको रेफर किया गया वो हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे आपको लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सी डिपार्टमेंट से आपको रेफर किया गया है, तो सारे लिस्ट जो चीज आपने ऊपर में किया है न्यूरोलॉजी सेम वही यहाँ पे भी डाल देना है, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपने यहाँ पे पेशेंट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सेम उसी डिपार्टमेंट का यहाँ पे वहीं पे डाल देना है कि सारे यहाँ पे लिस्ट में वही चीज मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है आपको पेशेंट आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक पहचान प्रमाण की जरूरत होती है पेशेंट की, तो सिंपल यहाँ पे एक पेशेंट के लिए क्या लगा रहा है, पेशेंट क्या लगा रहा है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड कर लीजिएगा, डीएल है डीएल, पैन कार्ड या कुछ भी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन है इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आधार कार्ड मान लीजिए हो गया, कि कौन सी अथॉरिटी से यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख सकते हैं आधार कार्ड है तो, और यहाँ पे अगर पहचान पत्र तो इलेक्शन कमीशन आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड लिख देंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको सिंपली डाल देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली सारी डिटेल फिल होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर्ड यहाँ पे मेंशन कर देनी है, क्लिक करके यहाँ पे इसको चेकबॉक्स ओके कर देना। उसके बाद सिंपली जो भी कैप्चा कोड आपके सामने फिल हो रही है शो हो रही है उसको फिल कर देना है, स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर या डिजिट में जो भी हो उसी तरीके से सिंपली फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, और रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर कोई फॉर्म में एरर आई, कुछ आपने छूट गया आपसे, तो यहाँ पे ऊपर में मेंशन हो जाएगी कि आपसे क्या गलती हुई, तो उस चीज को फिर से सही ढंग से फिल करके आपको फिर से यहाँ पे कैप्चा कोड फिर से चेंज हो जाएगी, इसको जो भी कैप्चा कोड उस टाइम शो करेगा उसको डाल के फिर से आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों अगर आपका सब ठीक ठाक रहा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने सारी चीज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड और टेक ए प्रिंट आउट, ठीक है। इस तरीके से आपको आएगा तो आपको सैंपल यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे प्रिंट लिखा होगा, वहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करते ही दोस्तों इस तरीके से एक आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको प्रिंट आउट करना अनिवार्य होता है, इसी प्रिंट आउट को लेके जाना होता है आपको जहाँ पे आप जिसके लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो इस प्रिंट आउट को रख लेना आपको संभाल के, इसी से आपका सारे काम होगा। और स्लिप जैसे निकलता है जिस डेट को आपको निकलेगा उस डेट को आपको 10 बजे से पहले काउंटर पे पहुंच जाना अनिवार्य है, आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट यहाँ पे बगल में SBI कलेक्शन ऐसे कुछ आएगा कलेक्ट, इसको उससे कोई मतलब नहीं है, डोनेट करने के लिए होती है। अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो SBI कलेक्ट में जाकर डोनेट भी कर सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली प्रिंट आउट मिल गया तो आपका काम हो गया। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी रजिस्ट्रेशन करना हो, ताकि वो भी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को समझ पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो पर सबसे पहले आप मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।